क्या आप हमेशा दुखी रहते हैं? आप हमेशा किसी भी किसी चीज़ को अपने माइंड में लेकर बहुत परेशान रहते हैं? तो आज इसी टॉपिक में बात करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। हम सब ने ये देखा होगा, अपने आपस में इंसान में नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणामान होता है। वह अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता करता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उसे दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, दूसरे की सहायता नहीं करना चाहिए? या करो ना मान और संवेदनशील कोई गुनाह है दोस्तों? नहीं, कोई गलती है? पाया यह जाता है कि संवेदनशील आदमी दिल का अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों का प्रेम करता है। प्रेम तो एक संवेदनशीलता का एक अर्थ है दोस्तों, वह भी तो भगभावना का ही रूप है। तो क्या प्रेम करना गलत हो जाता है? और यह तो आप सबको पता होगा कि प्रेम के आध्यात्मिक साधना का ही बहुत महत्वपूर्ण कदम है। किस प्रकार एक इंसान समाज में संवेदनशील, करुणामान और दयालु, यानी कि एक अच्छा आदमी बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसके फायदा नहीं उठा सके और वह अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता, करुणा, सब कुछ बरकरार रख सके। आज की ये कहानी के माध्यम से आपको ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। एक बार एक लड़का जंगल में पहाड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह अपने मन की गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। धोखा दिया था उनको समाज में, पूरे अपने परिवार में उनको धोखा दिया था। उनके साथ बहुत गलत हुआ था, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार पहाड़ पर मुक्के मार रहा था, जिससे उनके मुक्के पर लोग लहूलहान, उनके हाथ में खून की धारे चलने लग रही थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या समय से स्नान करने आया करते थे। उनका नित्य नियम था कि वह दोस्तों वह डेली आएंगे, उनका रूटीन था। आज वह इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए तो उसने उस लड़का को ऐसी हालत में देखा, जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था, उनके लगातार मुक्के मारे जा रहा था। वह लड़का आसपास के कोई मौजूद नहीं था। इससे उस गुस्से को खुशियों में चिंता होने लगी और सोचा कि कहीं मैं ऐसे छोड़ दूं और ये कहीं आत्महत्या कर ले तो क्या फायदा। ऐसे विचार आने लगे उस बौद्ध भिक्षु के मन में। वह लगातार अपनी तारीफें करता जा रहा था, एकदम खड़ा हुआ था। उसने उसे कुछ भी नहीं बोल रहे थे, कुछ भी नहीं कहा दोस्तों। उसने लगातार देखते रह गया और उसे कुछ नहीं लगा। लेकिन कुछ देरों बाद उसे लगने लगा कि कुछ बोलना है, ना कुछ कह रहा है, ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ देख ही रहा है और हमेशा निहारते रह रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद वहाँ बौद्ध भिक्षु कुछ नहीं बोला, सब कुछ नहीं बोल रहे थे, तो लड़के ने अचानक उसे पूछा कि मैं आज से आपका रास्ते क्यों नहीं जा रहे हैं? आप अपने रास्ते जाइए, आपको क्या मतलब है? आप खड़े क्यों हो, मुझे क्यों देख रहे हो? बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। मैं तो तुम्हें क्या परेशानी है दोस्तों, मेरी तो एक तरह तुम समझो कि मैं पेड़ पौधे को देख लो, वो सब भी तो तुम्हें देख ही रहे हैं ना, इसी प्रकार मैं भी आपको देख रहा हूँ। यह पक्षी शब्द भी तो तुम्हें देख रहा है। यहाँ पे जितने भी
पेड़ पौधे पक्षियां हैं, सब तो तुम्हें निहार रहा है। यह सुनकर लड़का जोर से बोला, मुझे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब ठोकेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। इस दुनिया में हम बोलते बोलते फूट फूट कर रोने लगा और बोला, कुछ नहीं बोला। बात उस लड़के को और ज्यादा जिंदगी पर अब रोना छोड़ रहा था। उस लड़के ने सीधे खड़े होकर उस बच्चे से कहा, बड़े अजीब आदमी हैं आप, आपके सामने कोई रो रहा है, दुखी है, परेशान है और आप मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, आपके मन में बिल्कुल दया नहीं है, बड़े अजीब आदमी हैं आप, बड़े कठोर हृदय के साथ आपको अपने साथ होने का कैद होना चाहिए। और ऐसा है ना, कहे जाने पर क्या क्या जली कुटी बातें उस बौद्ध भिक्षु को उस युवक ने सुनाने लगा। कुछ देर बाद युवक की सारी परेशानियों सुनने के बाद तब तुम्हें श्वान स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हें आंसू पोंछ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी भर का समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूँ। कुछ देर के लिए तुम अपनी जिंदगी में लौट जाओगे, फिर तुम वही कहोगे कि सारी दुनिया धोखेबाज है, फायदा उठाएगा और तुम अपने मन में ऐसे तकलीफ हो जाओगे, जाते रहोगे और आंसू पोंछने की वजह तुम्हें कोई मुझे ज्ञान की बात पूछनी चाहिए, जिससे तुम अपनी जिंदगी में कोई धोखा देने से बच सके। तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा नहीं उठाएगा और याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। दुश्मनों से बताया कि पार्टी के धरने पर स्नान करने जा रहा हूँ, बड़ा ही शीतल पानी है वहाँ का, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेला परेशान होने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ उस शीतल पानी में स्नान करो, इससे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे जंगल में बीच की तरफ जाने लग जाता है। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ होता है दोस्तों, उनके पैरे तले सूखे पत्तों की आवाज आ रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी रोशनी पूरे फैला रखी थी, जंगल में पूरा फेंका हुआ रहा था। उस रोशनी में दोनों तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते युवक ने कहा कि महात्मा जी, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की परेशानी नहीं है। आप पता है दुनिया के सबसे कैसे लोग, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपने लोगों को ही धोखा देते हैं, जिसको अपना मानता हूँ वही मुझे धोखा देते हैं। वही कैसा महसूस होता है जब कभी कभी अपने लोग ही मुझे धोखा देते हैं, तो और लोगों के लिए, दुनिया की सबकी लिए हम काम करें और लोग ही मुझे धोखा दे, तो क्या फ़ायदा जीने का, और सबसे अच्छा जिंदगी तो आपका ही है। कल के लिए वहाँ पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग दूसरों की सहायता करते हुए भी दूसरों को अपना मानते हैं, पर हमेशा जीवन में दुख रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार का जीवन है, इससे हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। उससे सही है आपका ही जिंदगी, किसी को त्याग दो और पीछे छोड़ दिया, अपनी मर्जी से परेशान नहीं किया और चिंता नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं संन्यास ले लूँ, छोड़ दूँ इस दुनिया का। यह सब सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, तुम्हें क्या लगता है कि सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? बौद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में, शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी भूखे नसीब भी नहीं होता है रोटी का, अगर भिक्षा मिली तो हम खाते हैं और ना मिली तो ऐसे ही सोना पड़ता है, वरना हमें पूछे ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी दीवाने हैं, हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोटे में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों न हो। यह सुनकर
उस युवक ने कहा, तो इतना सेव तुम अच्छे से अगर कर सकते हो तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा, आप कहते तो ठीक है, संघर्ष तो दिनों का सफर सांसारिक जीवन में भी है और सन्यासी जीवन में भी, लेकिन सांसारिक जीवन अच्छा है, लेकिन तब जब तक कि घर परिवार सुख शांति में बने रहे, हमें धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाए, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, अब तो जीने का आनंद है, वरना तो जीवन नरक हो जाती है। युवक ने कहा, देखो सन्यास अपने मन से लिया जाता है और हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सहायता से चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और सन्यासी जीवन सफल होगा। लेकिन अपने घर और परेशान नहीं होकर अगर तुम लोगों की बातों को छोड़कर सन्यासी बन जाओगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा नहीं मिलता है तो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हो। जो दूसरों के लिए दुख नहीं दे पाते हैं, ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना कहीं अधिक होती है कि कोई भी आदमी अपने परेशानी बताकर, अपने दुख को बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। झूठ बोल रहा होता है, दुखी होने का अभिनय करता रहता है, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि आपके साथ धोखा हो गया और उसके बाद आपका मन हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो, तो कोई ना कोई फायदा उठाने की जरूरत होती है। इसीलिए किसी को एहसास मत होने दो कि मैं भावनात्मक रूप से कमजोर हूँ। जब लोगों को लगेगा कि तुम इससे कुछ बोलने का फायदा नहीं है, तो दोस्तों याद तो कठोर नहीं है, लेकिन लगेगा कि तुम वह खुद झूठे हैं और मक्कार है, वह आपके पास आएंगे ही नहीं, वह उसे सुनेंगे तो उसको आसान शिकार होगा। दूसरी बात समझ रही होती है कि हम जल्दी किसी को ऊपर विश्वास कर लेते हैं और जितनी जल्दी विश्वास की आदत हमें यानी पहुंच जाती है, 2 से 3 दिन मिला नहीं हुआ और एक दूसरे को जाते हैं, जानने लग जाते हैं, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हैं और यही भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है, फिर तुम परेशान होते हो। इससे दो किसी चीज को रिश्ते आगे बढ़ने के लिए समय की जरूरत होती है दोस्तों। समय के साथ साथ सामने वाले की अच्छाई बुराइयों का पता चल जाता है, तुम पूर्ण रूप से पता चल जाता है इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है बुरा है, और कुछ समय देने के बाद ही पता चलता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अभी पहचान किया अगला नियम है, अगला तरीका समझने के लिए तुम्हें लोगों को समझना होगा जो तुम्हें दूसरे की चापलूसी करते हैं रहते हैं। कुछ लोग की आदत होती है चापलूसी करने की, आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और दूसरों के सामने वही इंसान आपका बुराई करेंगे, मेरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में वह बहुत चापलूसी करते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। कुछ समय बाद वह बंद अपना ढोंग बंद करता है। इसलिए किसी के सामने दिखावा मत करो और ना ही तो अपने आप को अच्छे बनने की कोशिश करो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत धन संपदा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे, वह आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपकी खुशी करने की कोशिश करेंगे। हम बताते हुए इस झरने की तरफ से इशारा करते हुए उसे पास पहुंचे, एहसास हो गया था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झरना के पास जाते ही भक्तों ने कहा कि सांसारिक जीवन में समझने की होती है कि जिस वजह से सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, धन तन मन धन सभी से या शारीरिक रूप से, जिस अवस्था में हो, किसी भी समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए। तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला
वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं। अगर किसी को ऐसे ही पैसे उधार दे दो तो यह समझे कि आप आय का कोई साधन है उसके पास कि नहीं। कहीं नहीं हो, कल भविष्य में उन्हें वापस नहीं किया तो आपको क्या उससे बहुत नुकसान हो सकता है। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगा। तो इंसान भी समझना चाहिए गलत सही को। सामने वाले को दे दिया उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वापस नहीं लौटाएगा तो भी चलेगा। तो ऐसे उधार दो, नहीं तो नहीं दो। तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव न पहुंचने पाए। जितना होना चाहिए आप उठा कर न भी दे सकते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। दोनों ने अपने कपड़े उतारे और झरने के शीतल पानी में कूद पड़े। पानी बहुत ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान, सारी उदास पल भर में ही खत्म हो गई। स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे दोनों बौद्ध भिक्षु और युवक बैठा, और बैठने के बाद उसे आगे समझाते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास आता है वह उनके साथ ही दूर हो जाता है। जब तुमको नजरअंदाज करोगे तो एक बार तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उसके बाद तुम उससे दूरियां बना लोगे और आदमी तुम्हारी इंसानियत देखकर तुम्हारे पास आएगा, उसके आपके इग्नोर करने के बावजूद भी तुम्हारा भी बन जाएगा। और यही इंसान की पहचान होती है दोस्तों। जो अपने होते हैं उनके हम भी होते हैं, लेकिन हमारी बातों का बुरा मत मानना दोस्तों। थोड़े समय के लिए लेकिन कुछ समय बाद हो जाते हैं, और यही तो घर परिवार का मतलब होता है। इसलिए शुरुआत में एक दूसरे को नजरअंदाज करना सीखो, एक दूसरे को इग्नोर करना सीखो, तो धोखेबाज और मक्कार लोगों से तुम्हारी दुनिया बनी रहेगी। और अपनी बात को बौद्ध भिक्षु खत्म करते हुए बताते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें सोचते रहना होगा, लेकिन अगर तुम अपने आँख और कान और अपने पांचों इंद्रियां को एक बस में करना होगा, आपको दिमाग से खोल कर रहना होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि ध्यान करोगे तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि तुमसे क्या चाहता है, क्या उनकी इच्छा और उनका स्वभाव भी आंखों में पढ़ सकते हैं। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, अपने स्वभाव में सब कुछ दिखाई देता है। बस हम अपनी आंखें मूंद कर दूसरों के लिए जानना होगा, उनके रिश्तेदारों से, उनके घर परिवारों से, और इंसान कैसा है, दूसरे के साथ उनका क्या व्यवहार है, कैसा व्यवहार है, उसकी पड़ताल करो। विश्वास करो ऐसे कि किसी पर विश्वास मत करो। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक किसी के साथ संबंध बनाना चाहते हो, तो कोई दोस्ती करना चाहते हो, तो तुम्हें इस बात को जरूर ध्यान रखना होगा कि दूसरे लोगों को क्या कहते हैं, कि जीवन में कभी रुक नहीं पाओगे, कभी इसी तरह के बात करते हो। और बौद्ध भिक्षु वह लड़का दोनों जगह एक बाहर अपने घर को चले जाएंगे। तो दोस्तों इस दिल की कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको सफलता पानी है तो जीत और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए आपको धोखा मिलने से बच सकते हो। और आपको यह कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स एवं परिवार को शेयर कीजिए, ताकि आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बदल जाए। अपना ख्याल रखिए। यारी का।